हे गाइस, क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे इस लॉन्चर का रिव्यू, जो कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्चर है। ये एक ग्राइंडर है, ड्रिल मशीन कह सकते हो इसको एक टाइप से, और इसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है गाइस। और इसके अंदर हमको मोड भी मिलते हैं अलग से, स्पीड मोड। जैसे ये 1 है, 1 से हम 7 तक जा सकते हैं। ये मैक्सिमम 7 है, ये मैक्स 7 है, तो यहाँ पर जा सकते हैं। और देखें भाई कितना बढ़िया ये काम करता है और कितने बेबलेट्स को ये लॉन्च अच्छे से कर पाएगा। ओके, स्टार्ट करेंगे हम सबसे लोवेस्ट से, क्योंकि लोवेस्ट पे सबसे स्टेबल रहेगा शायद। और देखते हैं भाई कितना शानदार रहेगा ये। इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे एक रबड़ का एक डर्ट होता है, वो इनके साथ ही में ही आता है शायद, वो वाला लगाया है मैंने। फिर यहाँ पर मेरे को कुछ मिल नहीं रहा था अच्छा सा कुछ लगाने के लिए, इसलिए मैंने 3D पेन से मैंने इसको डिज़ाइन दे दिया अलग से ही, जिससे ये बोल्ट इसके अंदर फिक्स हो सके। और ये फिक्स हो चुका है गाइस। और अभी देखते हैं इसको लॉन्च करके कितना बढ़िया से लॉन्च हो पाता है ये। और हम करेंगे यूज़ हमारे डीमन किंग बेब्लेड का, देखते हैं अभी। तो स्टार्ट, 3 2 1 हो जाए। रुको, 3 2 1 हो जाए शुरू। ये तो देख सकते हो भाई कितना खतरनाक तरीके से लॉन्च होता है। और ये मेरे ख्याल से बहुत देर तक चलेगा, लगभग 5 मिनट चल सकता है भाई। कितना ख़तरनाक है ये, इसकी कोई पावर ख़त्म ही नहीं हुई भाई अभी तक। इसकी हम फाइट करा के देखते हैं गाइस कुछ बेब्लेड से। इसको तो बाहर ही जाना होता है भाई, इसको छोड़ो, इससे करेंगे। लेट्स सी क्या होता है, डीमन किंग को अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं हम इससे। बाकी बेब्लेड्स को लॉन्च करने में थोड़ी मुश्किल आती है, बट इसको करने में कोई मुश्किल नहीं आती। तो हाँ गाइस, जो भी चैनल पे नया है भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो यार। हम ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाते रहते हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाइयों। हमारा टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का, दिखा दो भाई कब तक करा सकते हो। अब इसको करेंगे 3 लेवल पे, 3 लेवल पे देखते हैं कितना बढ़िया करेगा ये। ओके, इन 3 2 1 हो जाए शुरू। ओके, सेम ही लगता है यार मेरे को तो। मेरे ख्याल से एक लिमिट पे आके अपने आप छूट जाता है ये, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। हम ड्रोन जैसे करके देखते हैं इसको लॉन्च। ओ भाई, ड्रोनजर तो टिक ही नहीं पाया यार, ड्रोनजर टिक ही नहीं सकता इसके सामने। तो ड्रोनजर का कोई हाथ कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। हम करेंगे लियोन से, लियोन को करेंगे। इससे ना बड़े बेब्लेड लॉन्च करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि अच्छे से नहीं हो पाता। ये देखो, ये भी नहीं हो पा रहा अच्छे से, नहीं हो रहा, पूरा हाथ हिल रहा है मेरा। सिर्फ ये डीमन किंग को ही अच्छे से लॉन्च कर पाता है, पता नहीं क्यों, बट हाँ उसी को कर पाता है अच्छे से। ये देखो पूरा हाथ हिल रहा है मेरा, लेकिन उसको बिल्कुल आराम से लॉन्च कर देता है ये। नहीं, वो टेढ़ा हो गया भाई अभी तो, ये शायद पता नहीं कैसे हो गया, हो गया बस टेढ़ा हो गया यार ये तो, ऐसे कैसे हो गया। तो गाइस इसको टेढ़ा नहीं होने देना, इसको हम करेंगे, अरे भाई हाँ देखो ये ऐसे निकल जाता है। और ये मैंने कुशन लगा रखा है जिससे कि ये टेढ़ा मेढ़ा हो तो भी ठीक हो जाए, बट अभी ये हो रहा है पता नहीं क्यों। देखो इसके अंदर यहाँ भी मैंने लगा रखा है, ये यहाँ कुछ देख सको तो वाइट वाइट, वो 3D पेन का ही फिलामेंट है। चलो इस बार इसको ढंग से लॉन्च करके देखते हैं भाई। अरे ओ, इस साइड बंद करना है। ओके गाइस, बंद कर दिया है। और इस बार हम वैल्करी को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे इससे। मेरे ख्याल से डीमन किंग के लिए ही बना है ये लॉन्चर बस, और किसी को लॉन्च नहीं करता अच्छे से। ये देखो, ये भाई किसी को लॉन्च नहीं करता। और किसको ही लाऊं यार मैं, वॉइस लेपर्ड पूरा हिल जाता है यार। सिर्फ एक बेब्लेड को लॉन्च करने से फ़ायदा नहीं है गाइस, सिर्फ एक ही लॉन्च करता है, वो भी इसको। इसको तो ये 7 लेवल तक कर देता है, ये देखो इसको बिल्कुल परफेक्ट लॉन्च करता है भाई, लेकिन औरों को क्यों नहीं करता मुझे कोई आइडिया नहीं है, मेरे को सच में कोई आइडिया नहीं है गाइस। ब्रेव को करके देखें एक बार लॉन्च, अगर हो पाए तो। ओहो, हुआ भाई हुआ, हो सकता है लॉन्च, ब्रेव भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, सब हो जाते हैं भाई।
बस कुछ दिक्कत करते हैं। हाँ नाइस ओके, अभी इसको लेवल 7 पे करके देखते हैं सीधा ही मैक्सिमम लेवल पे, और अब देखते हैं अब ये एकदम से ही लॉन्च कर देगा। ओके इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। थोड़ा सा अगर वेट हो तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई फेंक दिया यार उसको बाहर ही, भाई इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ओके इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ये देखो इतना तेज लॉन्च होता है इससे ये। अभी इसको करते हैं, ओ भाई साहब अब इसको करते हैं। अरे भाई थोड़ी सी पावर में लॉन्च हो रहा है ये, इसको करते हैं 3, 2, 1 हो जाए। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ यही इसकी पावर को संभाल सकता है और कोई किसी के बस की बात नहीं है इसकी पावर को संभालना। बाकी सब तो ये बर्स्ट हो जाते हैं यार, बर्स्ट हो जाते हैं, कोई बाहर फेंके जाते हैं। ऐसे करके देखते हैं अभी में थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। तो चलो अभी ग्रेटेस्ट राफेल ग्लोरी रेगनार को करके देखते हैं। ये भी पूरा राउंड बेब्लेड है तो ये उसी के जैसा काम करना चाहिए इसको। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ये देखो भाई थोड़ी सी उसमें ही हो जाता है। तो गाइस जो ये है ये सिर्फ 1 लेवल पे ही अच्छे से काम कर पाता है सब बेब्लेड के साथ। तो 1 लेवल पे देखते हैं इसको वैल्करी को लॉन्च करके। ये देखो 1 लेवल पे लगभग लॉन्च कर देता है लेकिन अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं लॉन्च कर पाता। नहीं सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ कंपेटेबल है ये, पता नहीं क्यों बट सिर्फ इसी के साथ है। ओ भाई यार अब तो ये भी लॉन्च नहीं हो रहा था। ओके मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा देर तक लॉन्च करने की कोशिश करूँगा, इसको डाउन रखूँगा। नहीं हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये। यहाँ पे अगर डाउन रखोगे ना तो ये पूरा जला देगा इसको स्टेडियम को। मेरा एक स्टेडियम जल चुका है इसलिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है ये लास्ट ट्राई करते हैं 3 लेवल पे। ये टेढ़ा हो गया यार, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया, तो कैसे हुआ पता नहीं। यहाँ से तो ठीक है यार, पता नहीं क्या सीन है टेढ़ा क्यों हुआ, बट इसको लॉन्च कर देता है फिर भी। ये देखो इसको लॉन्च करने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी किसी को लॉन्च नहीं करना। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि एक को लॉन्च करेंगे बस, बाकी सब से कोई लेना देना नहीं है। और वो भाई साहब ये बस यही है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही सबसे ज़्यादा तेज़ लॉन्च होता है क्योंकि ये राउंड है। मैं एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, हम इसको लॉन्च करके देखेंगे ऑप्टिमस वैल्करी को। ऑप्टिमस वैल्करी देखते हैं कितना क्या लॉन्च हो पाएगा। ओह शिट, ओह नो, रे बटन बंद हो गया इसका तो। हाँ अभी दब गया शायद। ओके इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। हाँ इसको लॉन्च कर सकता है ये। और कमाल की बात ये है अगर ये बंद होगा तो लॉन्चर में डलते ही ऑन हो जाएगा। तो अभी ये ऑन नहीं है लेकिन नीचे जाते ही ऑन मिलेगा, देखना अभी दिखाता हूँ मैं। इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। इस बार नहीं हुआ यार लॉन्च, मतलब इस बार शायद नहीं हुआ है इसका मोटर ऑन। हाँ नहीं हुआ, नहीं इतना 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 सुबह नहीं बैठता ये शांत। इस बार हाँ इस बार हुआ है, क्लिक आया मेरे को तो इस बार हुआ है। ओके इन 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ये अब देखा जब हो जाता है ना ऑन तब तो भाई झंडे गाड़ ही देता है ये। ये देखो ऑन है, तो कुछ बेब्लेड्स के लिए काफ़ी मस्त है ये। मेरे पास एक और है ये ज़्यादा अच्छे से लॉन्च होगा उससे भी, ये शायद डीमन किंग के जितना लॉन्च हो जाए अच्छे से। ओके 1 लेवल एंड स्टार्ट। ओ भाई मेरा पूरा हाथ हिल रहा है, नहीं हो रहा है ये तो भाई ये पूरा परफेक्ट नहीं बना है अभी भी, इसको और समय लगेगा। मैक्स पे करके देखते हैं इस बार। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। यप मैक्स पे कर देता है लॉन्च, मैक्स पे तो सब कोई कर देता है ये। तो ठीक है गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का लॉन्चर, बताओ कैसा लगा। और इसका आइडिया यही है कि इस पर बस थोड़ा सा
कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर सपोर्ट मिल जाए ना मेटल का या फिर प्लास्टिक का, तो अच्छे से स्टिक हो जाता है और टूटता नहीं है। पहले वाला मेरा टूट गया था पता नहीं कैसे, बट ये वाला नहीं टूट रहा। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है उसको, नहीं टूटा है वो। और ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, ये काफ़ी ख़तरनाक है, सी टाइप के साथ आता है ये। तो ठीक है, बाय बाय गाइस।